दोस्तों जब हम लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं तो हम लोग को एक एटीएम कार्ड मिल जाता है, लेकिन क्या आप कभी डेबिट कार्ड का यूज किया है या आप डेबिट कार्ड के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेबिट कार्ड क्या होता है और डेबिट कार्ड के क्या फायदे और नुकसान होते हैं। एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों तक, भाइयों बहनों, चाचा चाची ताऊ, इन सबको वीडियोज को शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी और आपकी बात में मुलाकात होती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेबिट कार्ड। जब भी हम लोग बैंक में अकाउंट खाता खुलवाते हैं तो हम लोग को के साथ साथ चेकबुक, इसके अलावा एक एटीएम कार्ड मिलता है जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं। डेबिट कार्ड क्या काम करता है कि हम लोग डेबिट कार्ड में हमारे खाते में जो भी पैसा होता है हम लोग अपने एटीएम कार्ड से डेबिट कार्ड करते हैं, उसके द्वारा हम लोग कभी भी पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड का फंडा क्या है? तो दोस्तों डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जो भी हमारे खाते में जितने भी पैसे होते हैं हम उसका आसानी से यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको एक अलग खाता नहीं खुलाना पड़ता है, इसके लिए एक अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। आप सैलरी बेस्ड हैं या नौकरी वाले हैं तो आपको आपके भौकाल के हिसाब से कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड दे देती है। इसका फायदा ये होता है कि जैसे आपके एक लिमिट के अनुसार, आपकी एक लिमिट है 50,000 एक लाख रुपए महीने खर्च करने की, जिस हिसाब से बैंक लिमिट बना दे तो अपना खर्च कर सकते हैं। अब आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के द्वारा पैसे आसानी से खर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है। तो सबसे पहली चीज, क्रेडिट कार्ड जो है ब्याज मुक्त होता है, ब्याज फ्री होता है। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे, तो दोस्तों हम बताएंगे आगे कि ब्याज फ्री कैसे होता है। अगला फायदा ये होता है सिविल स्कोर का। जैसे मान लीजिए कि आपको अभी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो और आगे चल के और आप टाइम पे आप अपने पेमेंट को भर दे रहे हो तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होता जाएगा और आप आगे चल के बड़े लोन ले सकते हैं। कि क्रेडिट कार्ड का यूज आप इमरजेंसी के समय में यूज कर सकते हैं, जैसे भगवान न करे किसी को ऐसी इमरजेंसी लग जाए तो आप अपनी इमरजेंसी में, जैसे हॉस्पिटल में या कहीं पर भी आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि फ्रॉड लेनदेन से बच सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनेट के द्वारा हम लोग कुछ ऑनलाइन परचेजिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ ऐसी अनसेफ साइट होती है जिसपे हम लोग जाकर के कभी परचेज कर लिए तो क्या होता है कि हमारी डिटेल चली जाती है, कोई किसी ने हैक कर लिया, किसी ने इन्फॉर्मेशन चुरा ली। अब इसमें क्या होगा कि आपको जो लिमिट दी हुई है 50,000 एक लाख रुपए में क्रेडिट कार्ड खर्च करने का, उतना ही आपका पैसा जाएगा। लेकिन यही अगर डेबिट कार्ड में होता तो जितना आपके अकाउंट में सारा का सारा साफ हो जाता। दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का नुकसान। क्रेडिट कार्ड पे 35-40% ब्याज जो है सालाना लगता है। अब आप सोचेंगे कि आपने कहा कि ब्याज जो है ब्याज मुक्त होता है पहले और फिर आप कह रहे हैं कि 35-40% लगता है। जैसे जब क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी चीज परचेज करते हैं तो आपको टाइम देता है, जैसे मान लीजिए एक महीने का टाइम मिलता है, तब तक वो ब्याज फ्री रहता है, बल्कि बैंक अपने हिसाब से 20 दिन एक्स्ट्रा देता है, मतलब 30 दिन का एक महीना होता है, 20 दिन एक्स्ट्रा 50 दिन। लेकिन 50 दिन बाद जैसे ही आप 51वें दिन अगर 50 दिन तक नहीं पे करते हो किस्त को और 51वें दिन पे करते हो तो पूरे साल भर के हिसाब से आपका 35-40% ब्याज लगता है, और वो भी पहले दिन से लगता है जिस दिन से आपने परचेज किया था। इसका दूसरा नुकसान यह है कि इसका सिविल स्कोर का नुकसान। अगर आपने किस्त लिया और टाइम पे, मतलब आपने कुछ परचेज किया और उसकी जो लिमिट है और टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो आपका सिविल स्कोर नुकसान होगा, जिससे आप भविष्य में बड़े लोन नहीं ले सकते हैं। अगला पॉइंट है, आप इसे परचेजिंग न करके क्रेडिट कार्ड से अगर आप इसका कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो ब्याज इस पे उसी टाइम से लगता है जिस दिन आप कैश ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, वो भी 35-40%। तो भाई हुआ ना नुकसान। तो दोस्तों इसका अगला पॉइंट है कि जैसे कभी कभी होता गया है कि हम लोग, हमारे पास पैसे हैं लेकिन जो टाइम पे करना होता है उस आप भूल गए, तो इसको आप क्या काम कर सकते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, उससे आप जुड़वा दें इस क्रेडिट कार्ड को, तो आप अपने टाइम पे वो अकाउंट से पैसे कट जाए। अब मैं आपको कुछ सलाह दे देता हूँ। जैसे जो 35-40% ब्याज लग रहा है तो इसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं कि आप इसके लिए होम लोन या पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन का कितना 10-15% ब्याज होगा, तो आपका 35% जो ब्याज लग रहा है बाकी तो बचेगा ही आपका।